नॉलेज के ऊपर व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम द लास्ट लेक्चर। आप लोगों को कल मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करवाई थी, किस किस को आती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? होप सो सबको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चल गया होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फाइंड करते हैं, उसको फाइंड करने की जरूरत क्यों पेश आती है। ठीक है, अच्छा एक काम आप लोगों ने ये करना है, आप में से कोई जिम्मेदार बच्चे जो रेगुलर हैं वो डेली का जो भी आपका लेक्चर होगा स्टैट्स का, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे आपने व्हाट्सएप कर देना है। यहाँ से सहर और वजीहा आप जो हैं आप दोनों स्क्रीनशॉट ले लिया करें, और जब मीटिंग को एंड होने में 10 मिनट्स रह जाए उससे बिफोर जो है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर एज एन अटेंडर्स अपने पास रखना है और मुझे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद से आपकी जिम्मेदारी है, ये काम करना है। ओके क्लास, जी मैम। आज के हमारे दो टॉपिक हैं। पहले टॉपिक का नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सेकंड टॉपिक है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कल मैंने आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सिखाई थी। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीख लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने आपके 3 कॉलम बनाए हैं, ठीक है, आपका एक टेबल यहाँ पे क्रिएट किया है। इस टेबल के मुताबिक आपका फर्स्ट कॉलम जो है फ्रीक्वेंसी के कॉलम को शो कर रहा है, ये तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी का कॉलम क्या होता है। सेकंड कॉलम क्यूमुलेटिव C.F से शो किया, जिसका मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहली जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप एज इट इज लिख दें, ठीक है। सेकेंड जो आपकी फ्रीक्वेंसी होगी 8, अब आपने क्या करना है 8 में पहली वाली को एड करके सेकेंड फ्रीक्वेंसी लिखनी है, यानी 8 + 2 क्या आएगा आपके पास आंसर? टेन। 10 आएगा। अब आपकी क्यूमुलेटिव सेकेंड जो फ्रीक्वेंसी वो 10 बन जाएगी। थर्ड क्यूमुलेटिव 15 फ्रीक्वेंसी कैसे करोगे आप लोग, कि आपने जो आपकी सेकेंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकली है इसमें प्रीवियस वन को ऐड कर, यानी नेक्स्ट वन को ऐड करना है। यानी 10 है आपके पास, आपकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 5 है, उसमें ऐड करोगे तो क्या बन जाएगी 15। फोर्थ फ्रीक्वेंसी आपकी कैसी निकलेगी, इस 15 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी की जो आपके कॉलम में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगी, सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज जो होंगी ना वो ऐड करते जाना है आपने प्रीवियस आंसर के अंदर। अब 15 के अंदर आपने 6 को ऐड कर देना, क्या आंसर आएगा 21 21 21 में 4 ऐड करो, 25 25 25 में 3 ऐड करो, 28 28। तो ये आपका कॉलम बन गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। इसको इसलिए क्यूमुलेटिव कहा जाता है कि हर आने वाली नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसीज का एडिशन होती है, ठीक है। यानी 10 जो है प्रीवियस फ्रीक्वेंसी 2 का एडिशन है, 15 जो है प्रीवियस 2 का एडिशन है, 21 जो है प्रीवियस 3 का, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसीज का जो क्यूमुलेट बन के आपकी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज आ रही होती है उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। क्यूमुलेटिव का मतलब आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमने कॉलम बनाना है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बेसिकली इट इज अ प्रोपोर्शन। हम एक प्रोपोर्शन निकाल रहे होते हैं, फ्रैक्शन निकाल रहे होते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि हर जो आपको फ्रीक्वेंसी कॉलम की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी होती है उसको उसको टोटल पे डिवाइड कर देते हैं। यानी 2 है तो इसका टोटल आपके पास चूंकि 28 आ रहा है, ये तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे तो इसका आंसर 28 के इक्वल आएगा। तो आपने क्या करना है 2/28 आपकी फर्स्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी 2/28, ठीक है। और फिर उसके बाद सेकंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 8/28, थर्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 5/28, फोर्थ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी 6/28, ठीक है। लास्ट रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी ये जो सेकंड लास्ट बनेगी वो क्या होगी 4/28, इसी तरह 3/28, ये आपका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम क्रिएट हो गया। इस तरह से जब आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कहा जाएगा क्वेश्चन में कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाए, तो आपने फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाने के बाद इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेना है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेना है। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ, जब आप लोग ये दोनों काम कर लेते हैं तो इसको वेरीफाई कैसे करना है कि आपने रिजल्ट ठीक निकाला है या नहीं निकाला है। अब आपको एक बात बताती हूँ, ये देखें
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वैल्यू है बेसिकली जो कि 28 है, वो हमारे पास इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम होता है, ठीक है। और इसका सम क्या है, समेशन एफ इज इक्वल्स टू 28, ठीक है। इसमें लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फिर इसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम क्या होगा, ये मुझे कौन बताएगा? मैम 2 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय सम के साथ ना, यानी अब आप जैसे हमने इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम को सम किया, सिग्मा एफ निकाला, 2 प्लस 8, 8 प्लस 5, 5 प्लस 6, 6 प्लस 4 प्लस 3 किया, तो आंसर 28 के इक्वल आ गया, ठीक है, जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लास्ट नंबर के इक्वल होता है हमेशा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को वेरीफाई करने का तरीका क्या, जब आपने तमाम रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेनी है, आपने ये करना है इन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। करें सर, इनके न्यूमरेटर्स को ऐड, क्या आंसर आता है आपके पास जल्दी से? यही आंसर आएगा, 2 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 3 करेंगे तो 28 आंसर आ जाएगा। 28 को 28 पे डिवाइड किया तो आंसर 1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम का सम हमेशा 1 के इक्वल होगा। ये इनके वेरिफिकेशन का तरीका होता है। क्यूमुलेटिव जो आपकी फ्रीक्वेंसी का कॉलम का लास्ट जो नंबर होता है वो हमेशा समेशन एफ के इक्वल होता है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आपका समेशन होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये फर्क है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को वेरीफाई करने के लिए। अब मजीद इसमें समझाने की मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं है, हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले का टॉपिक आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आपकी जो बुक है उसमें लिखा हुआ स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। ये बेसिक मेरी, कैन यू हियर मी क्लास? यस। ओके, स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में क्या होता है, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी टेबल को अरेंज करते हैं या बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उससे एक डिसएडवांटेज होता है, वो क्या होता है कि आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस इज लॉस्ट इन ग्रुपिंग प्रोसेस। हम लोग जब ग्रुपिंग कर रहे होते हैं, यानी हम लोग लिमिट्स बना देते हैं ना, 2 से लेके 4 तक के क्लास इंटरवल, 5 से लेके 7 तक की क्लास इंटरवल, इस तरह से हम लोग क्या है अपनी क्लासेस को अरेंज कर देते हैं। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, मैं जरा आपका नेटवर्क जो है वो चेंज करके देखूं, नेटवर्क अनस्टेबल हो रहा है ताकि आपकी मीटिंग डिस्टर्ब ना हो। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स।
ओके क्लास, तो आप लोग अब मुझे सुन सकते हो सर? चलें जी, हम लोग अपना टॉपिक कर रहे थे स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। इसमें हमारे पास बेसिकली क्या होता है, आपको दो नाम ये नजर आ रहे होंगे, स्टेम एंड लीफ। हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक पौधा होता है ना, स्टेम होता है और उसका एक लीफ होता है, इसी तरह से हम लोगों ने डाटा का भी नेम रख दिया स्टेम एंड लीफ। हमारे पास हमें पता है कि डाटा किस तरह से क्या प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क अनस्टेबल होने की वजह से वॉइस मेरे ख्याल में क्लियर नहीं आ रही आप लोगों को। तो ऐसा है कि आप लोगों को रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिल जाएगा, तो अभी आप सिर्फ लेक्चर सुनने में कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि आप मुझे बार बार इंटरेक्ट करोगे तो फिर मुझे समझाने में प्रॉब्लम होगी और रिकॉर्डिंग भी सही नहीं होगी, ठीक है? तो अच्छा, मैं आप लोगों को ये बता रही थी कि ये आपकी डाटा वैल्यूज हैं। आप लोगों ने सबसे पहला काम स्टेम में लीफ डिस्प्ले में क्या करना होगा, इन वैल्यूज को, डाटा वैल्यूज को आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना, यानी मिनिमम से लेके आपने मैक्सिमम तक अपने नंबर्स को लिखना होगा। लिखने के बाद आपने स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बनाना होगा। ये नंबर्स हैं, अगर आप लोगों के पास, सबसे पहले आपने क्या करना है ये देखें, सॉल्यूशन में जाएं। आप लोग जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह से कुछ डिजिट्स आएंगे। हमारे पास नंबर है 18 और 12, यानी स्टेम में आप लोगों ने आपके जो नंबर होंगे हंड्रेड की उसमें आ रहे होंगे पोजीशन में, आपने उन हंड्रेड वाले नंबर को यहाँ पर स्टेम में शो कर देना है, बाकी जो लेफ्टिंग नंबर्स होंगे उनको इस तरह से शो कर देना है। यानी आपके डाटा में 18 भी था और 12 भी था, ये देखें। सबसे पहले मिनिमम नंबर आपके कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो आपका नंबर है 12, देन है 18। आपने क्या लिखना है, वन ओनली लिखना है, और नेक्स्ट कॉलम में जाके इनके जो बाकी नंबर होंगे 2 और 8 वो आपने नेक्स्ट कॉलम में शो कर देने हैं, जिसको आप लीफ कहोगे। फिर उसके बाद 12 और 8 के बाद आपने 2 डिजिट वाले नंबर देखने हैं, यानी 20s में जो नंबर आते हैं। अब 20s में आपके नंबर क्या आ रहे हैं, 29 आ रहा है, 26 आ रहा है, फिर इसके बाद 20s में सिर्फ यही दो नंबर आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, 2 को लिखना है स्टेम पोजीशन पे और लीफ पोजीशन पे आपने लिख देना है 6, 9, ठीक है? अब 30s वाले नंबर को आप लोग देखोगे, 30s वाले नंबर आपके डाटा में क्या है, 31, 37, 35, 30, 39। अब ये देखिए, ये 30s वाले नंबर हैं, आपने क्या करना है, 3 को लिखना है स्टेम पोजीशन पे, स्टेम वाले कॉलम में, और लीफ में क्या लिखना है, 1, 9, 5, 0, ये आपके 7, ये आपके क्या है, 30 वाली पोजीशन के नंबर आ गए। फिर आपके पास है आपके डेटा के अंदर 40 वाले नंबर्स भी हैं। अब आपने 40 वाले नंबर्स कैसे लिखने हैं, स्टेम पोजीशन पे लिखना है 4, और उसके आगे जितने 4 से मिलते हुए नंबर होंगे जो कि 40 की रेंज में आते होंगे, आपने उन सब नंबर को सेपरेटली उसके सामने वाले कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम में लिख देना है। ये देखें, 4 के आगे 8 आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है? इसी तरह 5 के आगे आपने इस तरह से डिस्प्ले करना है, तो ये आपका स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बन जाएगा। देन आपके पास 5 नंबर आ रहा है, 5 नंबर में आप लोगों ने इसी तरह से लिख के उसके आगे जितने नंबर आते होंगे वो आपने लीफ पोजीशन पे लिख देने हैं, ये आपका स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले हो जाएगा। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान मेथड है आपका, आप इसे रिपीटिंग में सुनोगे या आपकी रिकॉर्डिंग में आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। मे बी कुछ लोगों के नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले कैसे बनाना है, बट बहुत सिंपल मेथड होता है। आपके पास डेटा वैल्यूज जो होती है ना, आपकी 10 में, 20 में, 30s में, 40 में, 50 में, जिस भी रेंज में आपकी वैल्यूज होती हैं, उसका पहला पहला नंबर आपने जितना भी होगा वो सारे स्टेम में लिख देने हैं, और उसके साथ मिलते जुलते जितने नंबर होंगे वो लीफ पोजीशन पे लिख देंगे, ठीक है? इस तरह से आपका स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बन गया। देन आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। अब हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये टेबुलेशन से जरा डिफरेंट होता है, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम होता है। हम लोगों ने क्या करनी होते हैं, कुछ फिगर्स बनाने होते हैं, कुछ इमेजेस बनानी होती हैं, कुछ लाइंस, कुछ कर्व्स ड्रॉ करने होते हैं अपने डेटा की शेप को शो करने के लिए कि हमारा डेटा किस शेप का है। ठीक है,
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने जो आपकी टेबुलेशन होती है, रोज एंड कॉलम्स हैं, ग्राफ में हम बेसिकली दूसरा काम करते हैं. ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, एक पिक्चर बनाते हैं या कोई कर्व ड्रॉ कर देते हैं, कुछ लाइंस ड्रॉ करते हैं ग्राफ पर, जिससे क्या है एक विजुअल एक्सप्रेशन बन जाता है, रिप्रेजेंटेशन बन जाता है आपके डेटा का. इस वजह से हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले आपके पास डायग्राम्स में आती है लीनियर वन डायमेंशनल डायग्राम. लीनियर वन डायमेंशनल डायग्राम क्या होती है, दे कंसिस्ट ऑफ सिंपल बार्स, मल्टीपल बार्स एंड कंपोनेंट बार चार्ट्स. हियर द वैल्यू आर रिप्रेजेंटेड ओनली बाय वन डायमेंशन, जनरली द लेंथ की बार. अच्छा, आपने इसकी डेफिनेशन को तैयार कैसे करना है. हमारे पास जो लीनियर वन डायमेंशनल डायग्राम होते हैं, बेसिकली ये होता है कि एक कैटेगरिकल वेरिएबल हमारे पास होता है, उसके सामने उसकी वैल्यूज दी जाती हैं. आपने उन वैल्यूज को क्या करना होता है, डिस्प्ले करना होता है एक ग्राफ के ऊपर, एक फिगर की तरह उसको बताना होता है. तो जब आप इसमें क्या करते हो, आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस ड्रॉ करना है और सिंपल बार्स बना देने हैं टू शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट कैटेगरी. तो इसको हम क्या कहते हैं, सिंपल बार चार्ट. जब मल्टीपल बार चार्ट की बारी आएगी, उसमें हम एक से ज्यादा बार्स ड्रॉ करेंगे हर कैटेगरी के सामने, तो वो मल्टीपल बार बन जाएगा. कंपोनेंट बार चार्ट की बारी आएगी, तो कंपोनेंट बार चार्ट भी बेसिकली एक बार ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन हम उसको शो किसमें करेंगे, कंपोनेंट्स में कर देंगे, यानी उसकी वैल्यूज जो होंगी वो कंपोनेंट में शो कर दी जाएंगी. एरियल और टू डायमेंशन डायग्राम्स क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास एक से ज्यादा कैटेगरीज होती हैं या एक वेरिएबल की एक से ज्यादा हम उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली क्या होता है, एरियल और टू डायमेंशन डायग्राम. टू डायमेंशन डायग्राम में आपके पास आते हैं सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स. सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स क्या होते हैं कि एक रेक्टेंगल में हम डिफरेंट किस्म के पार्ट्स बना देते हैं, जिसको सब डिवाइड कर दिया जाता है, इसको कहा जाता है सब डिवाइडेड रेक्टेंगल्स. देन आती है जी क्यूबिक और थ्री डायमेंशनल डायग्राम. इसमें हम लोग क्यूब्स बनाते हैं, सिलेंडर बनाते हैं. ये आप लोगों के सिलेबस का हिस्सा नहीं है जिसमें आपने क्यूब्स ड्रॉ करने हैं, सिलेंडर ड्रॉ करने हैं. सिर्फ आप लोग क्या करोगे, मल्टीपल बार चार्ट, सिंपल बार चार्ट और कंपोनेंट बार चार्ट ड्रॉ करना सीखोगे. फिर उसके बाद आपकी डायग्राम में आती है पाई डायग्राम्स. ये भी आप लोग बनाना सीखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसके ऊपर मैं मजीद फोकस कर रही हूँ. पाई डायग्राम्स आपने बार बार प्रैक्टिस करना है, ये अक्सर पेपर्स में आता है अपना टॉपिक. ये क्या होता है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स एंड सेक्टर्स. हमारे पास एक सर्कल बना दिया जाता है, ठीक है. हम लोग क्या करते हैं, जो आपका डाटा होता है बेसिकली उसकी फ्रिक्वेंसी को शो करने के लिए सेक्टर्स बनाते हैं. एक सर्कल आपके पास जितने एंगल्स होते हैं टोटल 360 डिग्री के एंगल्स पे डिपेंड करता है आपके एक सर्कल. आप उस सर्कल की जब हम सेक्टर बना देंगे एंगल वाइज, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, पाई डायग्राम बन जाएगी. फिर आती है पिक्टोग्राम्स. पिक्टोग्राम का भी एक डिफरेंट मेथड होता है, जो फ्रीक्वेंसी हम एक हाइट बना के बार्स बना के शो कर रहे होंगे, यहाँ पर पिक्चर्स बना के कुछ यूनिट को क्रिएट करके हम लोग पिक्चर्स बनाएंगे, वो आपके पास पिक्टोग्राम्स हो जाएगा. अब आपके पास फर्स्ट वन की तरफ आते हैं, सिंपल बार चार्ट, जो आज आप लोगों ने करना है. सिंपल बार चार्ट क्या होता है, अ सिंपल बार चार्ट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड लेंथ प्रोपोर्शन टू द वैल्यूज दे रिप्रेजेंट. अच्छा, ये बात याद रखें, फिर मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, इसी लाइन को अंडरलाइन करें, यही इसकी डेफिनेशन है. अ सिंपल बार चार्ट से लेकर रिप्रेजेंट तक इसको अंडरलाइन कर लें. सिंपल बार चार्ट की डेफिनेशन है ये आपकी, क्या है, अ सिंपल बार चार्ट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार्स इक्वल विड्थ. ओके सहर, आप स्क्रीनशॉट ले लें, वजीहा आप स्क्रीनशॉट ले लें तमाम स्टूडेंट्स के, ठीक है, और इनकी आज के अटेंडेंस आपने मुझे देनी है, मैं इसको डिस्प्ले कर दूंगी एक्सेल शीट पे. अच्छा जी, सिंपल बार चार्ट क्या है, सिंपल बार चार्ट कंसिस्ट ऑफ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बार्स. यानी हम लोगों ने क्या करना होता है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को सबसे पहले ड्रॉ करना होता है. ये देखें, ये जो लाइन है ना, दिस वन, जिसके नीचे ईयर्स लिखे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं हमेशा एक्स एक्सिस. और ये जो आपकी लाइन है परपेंडिकुलरली, इस लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस. अब हमारा काम क्या होता है कि हमारे पास जो डाटा दिया जाता है उसकी जो कैटेगरीज होती है, बेसिकली उसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस पे शो करना होता है. क्योंकि ये ईयर्स का डाटा दिया गया है, 1980 का, 1981 का, 1982 का, तो इन ईयर्स को आप लोगों ने क्या करना है, मार्क लगाकर एक्स एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस के साथ यहाँ पर उसके नेम नीचे मेंशन कर देने हैं, या ईयर है तो ईयर उनके मेंशन कर देने हैं, यानी ये आपकी कैटेगरी शो करेंगी. अब वाई एक्सिस पे क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो शो करना चाहते हैं. अब फ्रीक्वेंसी शो करने का तरीका क्या होता है,
वाई एक्सिस में बेसिकली हमने एक स्केल सेट करना है अपनी फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग. अब आप देख रहे हो ये 1000 में 70,000 60,000 में जा रहा है, इसका मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी 10,000 से लेके 70,000 तक वेरी करती है. तो आपने 10,000 से लेके 70,000 का एक स्केल सेट कर देना है विद इक्वल डिस्टेंस. यानी अगर आपने पहला 0 से लेकर 10 तक का डिस्टेंस बनाया है, यानी 10 नंबर का 10 लाइन का डिस्टेंस बनाया है, देन सेकंड वन जो आपकी लाइन होगी वो भी 10 लाइंस का डिस्टेंस शो करेगी. अब 10 के बाद 20 आता है ना, इस वजह से उन्होंने 10 के बाद लिखा है 20,000, फिर उसके बाद 30,000, देन इक्वल डिस्टेंस के साथ 40,000, और इक्वल डिस्टेंस का लास्ट पे जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 70,000 उसको आपने शो करना है वाई एक्सिस पर. जब आप वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी को शो कर दोगे, अब नेक्स्ट आपका काम होता है कि आपने इन जो ईयर वाइज जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको आपने बार्स के जरिए शो करना है. अब हर कैटेगरी के सामने एक बार ड्रॉ करोगे आप इस तरह से परपेंडिकुलरली. अब आपने क्या करना है, 1980 की फ्रीक्वेंसी आपके सामने डाटा में क्या है, 38,000 आ रही है. तो आपने क्या करना है, 38,000 तक स्केल के साथ एक बार ड्रॉ कर देना है, ठीक है. फिर 1981 में की जो सामने फ्रीक्वेंसी आपके डाटा में गिवन होगी वो 45,000 है. तो आपने 45,000 तक यानी 40 और 50 के दरमियान में कहीं लाई करती होगी वैल्यू, आपने लाइंस काउंट कर लेनी है और एक और बार ड्रॉ कर देना. बहुत ही नीटली हमेशा आप अपनी डायग्राम्स को ड्रॉ करते हो. रफली जो आपकी डायग्राम्स होती हैं वो हमेशा आपको नंबर नहीं देती बल्कि क्रॉस लग जाता है. तो बहुत ही नीट आपकी जो पेंसिल की टिप होगी वो नीट होनी चाहिए. अगर पेंसिल भी बना रहे हो तो बहुत नीटली ड्रॉ करो इसको. कोई भी आपके जो आपके रेजर यूज किया हो या मेस हुआ हो आपकी डायग्राम में तो वो बहुत ही खराब इमेज देती है और आपको नंबर नहीं वो आपको क्वेश्चन दे सकता. तो जब आप डायग्राम वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो पेपर में तो ये बात अपने जहन में रखनी है कि इसको फुल प्रैक्टिस आपकी हो, ठीक है. फिर ही आप डायग्राम टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में करें, क्योंकि इसको बनाने में भी बहुत टाइम लगता है और ये इतने नंबर भी देने वाला क्वेश्चन नहीं है. देन 1982 का आपका आ गया, 1982 के सामने भी आपने एक बार ड्रॉ कर देना है उसकी फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग जो कि 49,000 बन रही है. अच्छा एक बात आप नोट कर रहे हो, हर बार जो आपने बनाया वो सेम विड्थ का, यानी 1980 का जो बार है उसकी आप चौड़ाई देख लें, 1981 का जो बार है उसकी चौड़ाई देख लें, 1982 का जो बार है उसकी चौड़ाई देख लें, हर बार की विड्थ सेम है. तो आपने क्या करना है, एक निशान लगा लेना है हर कैटेगरी के सामने और इक्वल विड्थ के साथ आपने तमाम बार्स को ड्रॉ करना है. ये ना हो कि 1980 का जो बार है वो बहुत ही आपने वो उसकी विड्थ ज्यादा रख के ड्रॉ कर दिया, 1981 का बहुत ही उसकी विड्थ स्मॉल थी और उसको ड्रॉ कर दिया. इस तरह से आपकी डायग्राम बहुत खराब बनेगी. हमेशा आपने इक्वल विड्थ के जो है बार्स वो ड्रॉ करने होंगे, ठीक है. एक और बात, 1980 से लेके 1981 के दरमियान में जो बार्स का डिस्टेंस है वो भी सेम है. 1981 से 1982 तक का जो बार्स का डिस्टेंस है वो भी सेम है. तो ये बहुत आसान तरीका है कि आपने जो स्केल है ना उसको यूज करना है, उसके सेंटीमीटर वाली जो लाइंस है ना उनको काउंट कर लो. 1980 से लेके 1981 तक टू लाइंस का मार्क कर लो, फिर 1981 से लेके 1982 तक टू लाइंस का मार्क कर लो. इस तरह से आपकी इक्वल विड्थ की डायग्राम जो है वो ड्रॉ हो जाएंगी. हर बार के दरमियान में भी डिस्टेंस सेम होगा, बार के अंदर का भी जो डिस्टेंस होगा वो भी सेम होगा, जिसको हम विड्थ बोलते हैं. एनी क्वेश्चन आज के लिए इतना काफी. कल हम नेक्स्ट जो है मल्टीपल बार चार्ट से स्टार्ट करेंगे. अब आप लोगों की असाइनमेंट में आप लोगों को साइन करने जा रही हूँ. आप लोगों ने दो क्वेश्चन करने होंगे, मैं एक्सरसाइज से आपको बताती हूँ, उनकी प्रैक्टिस करनी है. सिर्फ दो क्वेश्चन होंगे, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा, एक मैम आवाज कट रही है, एक मिनट मैम आवाज कट रही है. अब आ रही है वॉइस? कुछ भी नहीं समझ में आ रही है, आवाज बहुत कट रही है. बस नेट का प्रॉब्लम है, नेटवर्क अनस्टेबल है. अच्छा मैं आपकी एक्सरसाइज ओपन कर रही हूं. मैम 80 फ्रीक्वेंसी की भी एक एग्जांपल करवा दें. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी एक एग्जांपल करवा दें. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने आपको कंप्लीटली बताया है, ये देखिए अभी भी सेव होगा. बताया ये एग्जांपल है आपके सामने. तो मेरे पास ड्राइंग पड़ी होगी उसकी, मैंने उसको एग्जाम्पल दे के ही आपको करवाया, वैसे ही आपने करना होता है. मैम वो तो क्लियर हो गया, लेकिन नोट्स में वो एग्जाम्पल दूसरी तरह से उन्होंने की हुई है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. मैं आपको बताती हूँ एक्सरसाइज से क्वेश्चन निकालेंगे. अच्छा ये आपकी एक्सरसाइज आ गई.
इसमें 2.6 का बी पार्ट देख रहे हैं आप लोग, क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द प्राइस डेटा गिवन बिलो टेकिंग 5 यूनिट्स एज द वेट और क्लास इंटरवल। यहाँ पे पहले से आपको क्लास इंटरवल बता दिया गया है, बस आपने क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ क्लासेस डिसाइड करना है, और दूसरा स्टेप आप लोगों ने क्या करना है, आपने रेंज निकालनी है, और निकालने के बाद इनको इस डेटा को क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करके इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेना है। इसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को का आप लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी निकाली होगी, इसी फ्रीक्वेंसी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनानी है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनानी है। ठीक है, ठीक है मैम। लेकिन फिर भी आप एक दफा ग्रुप में वॉइस कर देना, क्योंकि आपकी बात बहुत कटी है इसके अंदर कहते कहते। मैं आप लोगों को, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो रही है ना, रिकॉर्डिंग में सेंड करूंगी, तो आप लोग क्या करोगे इसको,